हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। आज हम यहां पर स्किन कलर डिसकलरेशन की ट्रीटमेंट आपको बताने वाले। कई बार कई लोगों की स्किन एकदम वाइट हो जाती है या तो कई जगह पर ब्लैक कलर की हो जाती है, ऐसे वाइट या तो ब्लैक कलर के धब्बे पड़ जाते हैं। कई लोग इनको विटिलिगो भी कहते हैं, पर विटिलिगो बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है और विटिलिगो ऑटो इम्यून डिसीज है। तो यहाँ पर आपको एक सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने वालों की जिनके जरिए आप अगर स्किन में डिसकलरेशन हो रहा है, यानी कि स्किन बहुत ज़्यादा वाइट हो रही है या तो ब्लैक हो रही है, तो इनका सोल्यूशन आप ले सकते हो। यहाँ पर जो पॉइंट है वह बहुत ही सिंपल एक्यूप्रेशर पॉइंट है, डॉक्टर वॉल का इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर पॉइंट है, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देता है। यह पॉइंट का नाम है TW3, यानी कि ट्रिपल वार्मर का 3 नंबर का एक्यूपंक्चर पॉइंट। तो यहाँ पर यह पॉइंट का लोकेशन जानेंगे, किस तरीके से दबाना है, फिर किस तरीके से मैग्नेट या तो सीड का इस्तेमाल करके यह पॉइंट को ट्रीटमेंट दे सकते हो, वह सब कुछ पूरी डिटेल में प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ यहाँ पर जानने वाले। हमारे स्किन का कलर हमारे शरीर में हमारे स्किन के नीचे एक पिगमेंट रिलीज होता है, इनके ऊपर डिपेंड रहता है। यह पिगमेंट को मेलेनिन बोला जाता है। हमारे स्किन के नीचे मेलेनोसाइट नाम के सेल्स होते हैं, वह यह पिगमेंट को रिलीज करता है। अगर यह पिगमेंट बहुत ही ज्यादा रिलीज होता है तो हमारे स्किन का कलर ब्लैक होता है, यानी कि डार्क होता है, और अगर यह पिगमेंट बहुत ही कम रिलीज होता है तो हमारे स्किन का कलर वाइट हो जाता है, यानी कि फेयर हो जाता है। पर अगर यह पिगमेंट बिल्कुल रिलीज नहीं होता है तो इनकी वजह से हमारे स्किन पूरी तरीके से वाइट हो जाती है। तो यहां पर यह पॉइंट दबा के आप यह पिगमेंट को अच्छी तरीके से रिलीज कर सकते हो, इनको नॉर्मल फंक्शन में ला सकते हो। तो यहां पर यह पॉइंट के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह इस जगह पर मिलता है जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, या इंडेक्स फिंगर की बैक साइड पर मिलता है। इंडेक्स फिंगर का जो लास्ट जोड़ होता है, यह लास्ट जोड़ का मिड पॉइंट पहले नोट करना है, फिर यह मिड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर आपको यह पॉइंट मिल जाता है। फिर से जान लेते हैं, इंडेक्स फिंगर का लास्ट जोड़, यह लास्ट जोड़ का मिड पॉइंट, यह मिड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर आपको यह पॉइंट लोकेट कर देना है। यह पॉइंट को लोकेट करने के बाद आपको एक्यूप्रेशर टूल का इस्तेमाल करके यह पॉइंट को अच्छी तरीके से दबाना है, एक्टिवेट कर लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए यह पॉइंट को एक्यूप्रेशर देना है। एक्यूप्रेशर देने के बाद यहाँ पर आप मैग्नेट या तो सीड का इस्तेमाल करके यह पॉइंट को ट्रीटमेंट दीजिए तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर मैग्नेट के लिए हमें इस तरीके का स्मॉल मैग्नेट इस्तेमाल करना है। यह मैग्नेट को ब्योल मैग्नेट बोला जाता है। यह मैग्नेट की खासियत यह कि इनकी एक सरफेस इस तरीके से वाइट होती है, एक सरफेस इस तरीके से येलो होती है। अगर येलो सरफेस हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट के कॉन्टेक्ट में आती है तो यह पॉइंट के संबंधी जो ऑर्गन होता है इनकी एनर्जी बढ़ती है, और अगर वाइट सरफेस हमारे पॉइंट के कॉन्टेक्ट में आती है तो यह पॉइंट के संबंधी जो ऑर्गन होता है इनकी एनर्जी कम होती है। यहाँ पर हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है इनकी एनर्जी बढ़ानी है, इसीलिए यहाँ पर मैग्नेट की जो येलो सरफेस है इनको हमें इस पॉइंट के कॉन्टेक्ट में लगानी है। जान लेते हैं किस तरीके से मैग्नेट को लगाना है। आधे इंच चौड़ी पेपर टेप लेनी है, फिर इनके ऊपर मैग्नेट को लगा देना है। इस तरीके से लगाना है ताकि ऊपर से आपको इस तरीके से येलो सरफेस दिखे और टेप के पीछे से आपको वाइट सरफेस दिखे। फिर हमारा जो पॉइंट है वह पॉइंट पर यह मैग्नेट को लगा देना है। इस तरीके से लगा दीजिए। इनके ऊपर आप दूसरी पेपर टेप भी लगा सकते हो अच्छी तरीके से मैग्नेट को चिपका हुआ रखने के लिए। यह मैग्नेट को आप पूरा दिन लगा के रख सकते हो, या तो फिर रात को लगा दिए सुबह इनको निकाल दीजिए, या तो दिन में 6 से 8 घंटे भी लगा के रख सकते हो। यहाँ पर यह मैग्नेट को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, इसीलिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव आपकी ट्रीटमेंट हो जाती है। अगर आपके पास मैग्नेट अवेलेबल नहीं है तो आप सीड का इस्तेमाल करके भी यह पॉइंट को ट्रीटमेंट दे सकते हो। यहां पर आप छोटे सीड का इस्तेमाल करिए क्योंकि हमारा पॉइंट बहुत ही छोटा है। यहाँ पर आप मेथी दाने ले सकते हो, यानी कि फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल कर सकते हो, या तो फिर आप मूंग के दाने भी ले सकते हो, या तो फिर कोई दूसरे छोटे दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मैं मूंग के दाने का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आधी चौड़ी पेपर टेप लेनी है,
फिर यह टेप के ऊपर एक या तो दो मूंग के दाने को लगा देना है। फिर हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह पॉइंट पर यह दाने को अच्छी तरीके से लगा देना है। इनके ऊपर आप दूसरी पेपर टेप भी लगा सकते हो। यहाँ पर भी यह सिर को मैग्नेट की तरह आप पूरा दिन लगा के रख सकते हो, या तो फिर रात को लगा दिए सुबह इनको निकाल दीजिए, या तो फिर दिन में 6 से 8 घंटे भी इनको लगा के रख सकते हो। अगर दिन में लगा रहे हो और आपके पास टाइम है तो हर एक घंटे 1 या तो 2 मिनट के लिए यह पॉइंट को इस तरीके से एक्यूप्रेशर भी दे सकते हो, तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। यहाँ पर मैग्नेट की तरह आप सीड को बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि सीड में जर्मिनेटिंग पावर होता है, हीलिंग एनर्जी होती है, जो कि हमारा डिसीज है उनको हीलिंग करने में यूटिलाइज हो जाती है, इसीलिए फिर यह सीड हमारे कोई काम का नहीं रहता है। दूसरी बार ट्रीटमेंट के लिए हमें नया सीड लेना जरूरी पड़ जाता है। तो यहाँ पर हमने यह सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में जान लिया, इनका लोकेशन जाना, किस तरीके से दबाना है, फिर किस तरीके से मैग्नेट या तो सीड का इस्तेमाल करके यह पॉइंट को ट्रीटमेंट दे सकते हो, वह सब कुछ पूरी डिटेल में जान लिया। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।